प्रोफेसर दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई का मसला पंजाब दीआं चोणां विच भखदा दिखाई दे रहा है ते सियासी पार्टियां वल्लों भी इस मसले नूं खूब उछालिया जा रहा है जिस ते अकाली दल दे सीनियर आगू ते सियासत दे बाबा बोर कहे जाण वाले प्रकाश सिंह बादल ने केजरीवाल सरकार ते सवाल चुकदिआं भुल्लर की रिहाई की मंग कर दित्ती ता जो सजा पूरी होण तों बाद ओह खुल्ली हवा दे विच सुख दा साह लै सकण की कुछ कहिंदे ने बाबा बादल उन्हां दे मूहों ही सुना दिंदे आ। मैं अकाल पुरख साहब दी मेहर दे सदका और थोड़ी शुभ कामनावां दे सदका सेहतयाब हो रहा और आस करना कि कुछ दिनों बाद मैनू छुट्टी मिल जाएगी। सब तो वद मैं अपनी जिंदगी च जिस किसी चीज ते जोर दिता है तो ओ दिता है अमन शांति ते भाईचारक सांझ, क्योंकि जिस सूबे विच जिस देश विच अमन शांति नहीं भाईचारक सांझ नहीं वो ना सूबा तरक्की कर सकता है ना देश तरक्की कर सकता है। अज एक बहुत वड्डा मसला देश दे सामने है, खास करके जिहदा पंजाब नाल बहुत तल्लक है वो है सरदार दविंदर पाल सिंह जो लंबे समय तो जेल चन और अपनी जेल की पूरी जिहड़ी यात्रा सी वो पूरी खत्म कर चुके हैं ते उन्हां दी रिहाई जिहड़ी है वो सेंटर गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिती है ते जुडिशरी ने भी अप्रूव कर दिती है। पता नहीं की कारण है कि केजरीवाल साहब जो दिल्ली दे चीफ मिनिस्टर हैं वो उन्हां दे दस्तखत होने और जो तई उन्हां दे दस्तखत नहीं होंदे वो रिलीज नहीं होंदे और पता नहीं क्यों रोकी बैठे है जो सारे किसी नूं कोई इतराज नहीं सारी जुडिशियल ते गवर्नमेंटल जिहड़ियां क्लीयरेंसिस हो गई सेंटर गवर्नमेंट दियां तां उन्हां नूं इस चीज से पेंडिंग रखना ए कोई देश दा पंजाब दे हित नहीं। मैं उन्हां नूं बेनती करांगा कि एक बहुत इमोशनल जिहा मसला है और इहदे च उन्हां नूं रुकावट नहीं बननी चाहीदी। मैं केसरी साहब नूं भी बेनती करना कि वो तुरत इस वक्त आप ध्यान दे के वो फाइल क्लीयर करन ताकि लंबे समय बाद सरदार दविंदर पाल सिंह बाहर की खुली हवा देख सकन और अपने मित्र प्यारियां नूं फैमिली नूं मिल सकन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।